मैं हूं माधवी और आप देख रहे स्वामी अरब समाचार विस्तार से। दो दिन पूर्व अजमेर के एक व्यापारी का अपहरण कर 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने वाले कुख्यात आरोपी को आज पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा देर रात दी गई वारदात से अजमेर के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त था। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में आज जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने कुख्यात अपराधी कूका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के साथ दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी कूका द्वारा व्यापारी का अपहरण कर उससे जबरन कार में बैठा कर ले जाया गया और उससे 20 लाख रुपए वसूलने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया। इससे अजमेर के समस्त व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में गठित स्पेशल टीम ने आज कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 19 जून को हमारे थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें परिवादी नरेश मनकानी है जो कि रामगंज थाने के इलाके का रहने वाला है। इसकी सोमलपुर रोड पे एक फैक्ट्री आई हुई है, सोमलपुर रोड पे सूफी मस्जिद के पास में प्लास्टिक फैक्ट्री आई हुई है। इसका ये कहना था कि इसको करीब दिन में 11:30-12 बजे के बीच में कॉल आता है जो अपने आप को कुका बताता है, कुका और सलमान है, और वो उसको कॉल करता है कि भाई तुम्हारे साथ में तुम्हारी सुपारी मिली हमें। पहले तो उसको बुलाता है, वो कन्वेंस करके उसको फैक्ट्री गेट पर बुलाता है। फैक्ट्री गेट पर गाड़ी में बैठाने के बाद में उसको वो एक उसके साथी जो होते हैं वो 3 मोटरसाइकिल से वो भी आते हैं और एक जना अंदर बैठ जाता है। अंदर पिस्टल दिखा के उसको ये कहते हैं कि तुम्हारी फिरौती मिली है तुम्हें मारने की और 40 लाख रुपए दे दो। फिर वो 20 लाख पे आते हैं, 20 लाख की बात करके कहते हैं 20 लाख व्यवस्था करोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब इसमें चूँकि हमारी टीम में जो मेन प्रभारी रहे हैं वो रविंदर जी SHO रामगंज हैं, वो आपको डिटेल और कहानी आगे बता रहे हैं। उक्त घटना के संदर्भ में थाना आजा पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान SP साहब देवेंद्र जी विश्नोई, श्रीमान एडिशनल SP साहब दूर सिंह जी द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र इस घटना का खुलासा करें। और कहीं व्यापारियों में भी इस बात को लेकर रोष था कि इतनी बड़ी घटना हुई है जिस पर श्रीमान द्वारा CO साहब अन्य थाना अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुलजिम कूका और सलमान व उसके दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक का नाम साजन है वे एक अन्य फिरोज है। जब ये चूंकि कूका शुरू से नामजद था इस बारे में डिटेल ली गई लेकिन ये चूंकि बड़ा ही शातिर अपराधी है और इसको अपने इलाके में कूका डॉन के नाम से भी जाना जाता है। उक्त संदर्भ में इसके बारे में जितनी भी डिटेल हमें मिल सकती थी वो सारी डिटेल हमने प्राप्त की लेकिन चूंकि आजकल अपराधी शातिर हो गए, सारे मोबाइल वगैरह इन्होंने स्विच ऑफ कर रखे थे, फिर कहीं से हमारे थाना के स्टाफ द्वारा इनपुट प्राप्त करके ये पता किया गया कि सब फिरोज एक लड़का है जो घटना में इसके उस दिन मौजूद नहीं था लेकिन ये इसके साथ देखा गया है। जिस पर फिरोज को ट्रेस किया वह उससे पूछताछ की तो फिरोज द्वारा जब इसे पूछताछ की और तब ये बात सामने आई कि तीनों ही मुलजिमों को दस्तयाब किया गया और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बात कही कि सब घटना कारित होने के बाद हम दिल्ली गए थे, दिल्ली से हमने जो 20 लाख की लूट थी उसमें 4-5 मुलजिम थे, सबने अपना पैसा अलग अलग बांट लिया था और कूका और साजन के पास जो पैसा आया था उसको ये वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके इन्होंने एक सेकंड हैंड इटियोस कार खरीदी जो 2 लाख में इन्होंने खरीदी और जब ये कूका और साजन वहाँ से दिल्ली से आ रहे थे साथ में ये इनके फिरोज था, ये बात जब हमारी जानकारी में आई जब इनको डिटेन किया गया और पूछताछ की जब ये सारे तथ्य सामने आए अब उस प्रकरण में इन 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, अन्य मुलजिमान की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी के और रेप के तो कुका जो है वो एक अपने आप में बड़ा डॉन बताता है खुद को। पहले कुका ने इसको परिवादी से पहले भी इस तरीके से एक डरा फुसला के 10,000 रुपये लिए थे जो परिवादी ने किसी कारण से पुलिस को नहीं बताया था। अगर वो उसी समय बताया जाता उस व्यापारी द्वारा तो शायद इतनी बड़ी घटना भी नहीं हो पाती। और उसके बाद में जब कुका को लग गया कि डर रहा है तो कुका ने एक ऐसा ही एक प्लान बनाया और कुका ने कहा कि तुम लोगों की फिरौती उठी है, तुम्हारा कोई मामला चल रहा है और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उसने उस चारों लोगों के साथ में कहा कि ये मेरा दोस्त है, कैसे करके इसके पैसे कम करो, इसको मारना नहीं है। और वो 40 लाख रुपए से 20 लाख की बात करता है, उसी के सहयोगी होते हैं, सहयोगी सारे मिलके गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसको उसी समय पैसे व्यवस्था करने की बात करते हैं। ये डरा हुआ अपनी जान की नुकसान नहीं हो जाए इसीलिए इसने अपने भाई को और बात करके कैसे पैसे की व्यवस्था करवाई और पैसा उनको लिया और उसको आगे छोड़ के वो लोग चले गए थे।
चूँकि उसको घबराया हुआ था, पुलिस ने बड़ी ढंग से उसको सुरक्षा देके उसको पहले समझाइश करी, बात करी और उसने अपनी पूरी कहानी खोली। कहानी खोलने के बाद में एक बहुत अच्छी बात थी कि अब उसने कुछ चीज़ें जो थी वो रिकॉर्डेड भी थी उसके मोबाइल में, वो भी हमें दी, जिससे भी हमें काफ़ी लीड करने को मौका मिला। इस टीम में हमारी ये जो SHO रामगंज के साथ में SHO अलवर गेट और SHO आदर्श नगर ने बहुत शानदार काम किया, पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया। अभी जो तीन लोगों को हमने गिरफ्तार किया उसके अलावा भी हमारे पास अभी वांटेड लोग हैं जिसके लिए हम तलाश में लगे हुए हैं, चूँकि उनके पास हथियार भी थे सभी के पास, तो हथियार बरामदगी की भी तलाशी जारी है। बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि घटना करने वाले लोग 6 लोग थे और एक ये 7वां लोग थे, तो करीब 7 से 8 लोग हैं, उसमें से 3 गिरफ्तार हुए। ये 20 लाख रुपये जो सर इन्होंने ले लिए थे, उसके बाद में जो रिकवरी हुई तो कैसे? अभी रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये गाड़ी जो इन्होंने 2 लाख में खरीदी थी तो वो अपने आप में एक रिकवरी है। सिंह ने ही बोला बताया कि इस तरीके का एक लोग जो घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिस प्रकार परिवादी ने जो कहानी बताई उसमें भी यही था कि उसने ये कहा कि मोकम सिंह ने दी है सुपारी और ये कोई दूसरा भी, इनके फैक्ट्री में कोई ज़मीन का विवाद चल रहा है, उसका नाम लिया गया और मोकम सिंह का ये सगा भांजा है कुका, तो वो भी इस मामले में। अब ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से मोकम सिंह उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। और जो गाड़ी में वारदात अपहरण किया गया था, वो गाड़ी जो गाड़ी में अपहरण किया गया था वो गाड़ी भी हम प्रयास कर रहे हैं उसी से। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर रॉन्ग साइड से आई एक कार डिवाइडर से टकरा कर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवा कर डिवाइडर से हटाया, उसके बाद यातायात सुचारू हुआ। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर रॉन्ग साइड से आई एक कार डिवाइडर से टकरा कर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवा कर कार को डिवाइडर से हटाया, उसके बाद यातायात सुचारू किया गया। क्या इत्तला मिली थी, क्या घटना हुई है? मैं ट्रैफिक कार्यालय सूचना मिली कि वहाँ एलिवेटेड रोड पर एक कार चढ़ गई है डिवाइडर पर, मौके पहुँचा देखा तो एक कार डिवाइडर में चढ़ के रोंग साइड से आ रही, रोंग साइड में चलेगी, कोई नुकसान हुआ नहीं, कोई जनमाना हानि नहीं, ट्रैफिक सुचारू चल रहा। कब की घटना? घटना करीबन 4:15 बजे की घटना। और ये फिर उसके बाद क्या मतलब आपने ट्रैफिक की गाड़ी बुलाई? हाँ, क्रेन बुलाई, क्रेन से साइड में हटवा दी और ट्रैफिक सुचारू से चल रहा। आपका नाम? राजवीर सिंह। ऐसा ही आयकर दाताओं के लिए आयकर से जुड़े नवाचारों, आयकर की समझ एवं आयकर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयकर विभाग अजमेर द्वारा 23 से 25 जून तक टैक्स पेयर हब का आयोजन आसाद पार्क में किया जा रहा है। टैक्स पेयर हब का आयोजन भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में 6 जगहों भागलपुर, कटक, झांसी, विशाखापट्टनम, शिलोंग और गोरखपुर किया जा चुका है। हमें मानना होगा कि ये जो तरक्की है ये किसी और की नहीं है, मेरी तरक्की, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की, जो लोग शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए। आयकर दाताओं के लिए आयकर से जुड़े नवाचारों, आयकर की समझ और आयकर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयकर विभाग अजमेर द्वारा आज से 25 जून तक टैक्स पेयर हब का आयोजन आजाद पार्क में किया जा रहा है। टैक्स पेयर हब का आयोजन भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में 6 जगहों भागलपुर, कटक, झांसी, विशाखापट्टनम, शिलोंग और गोरखपुर में किया जा चुका है। प्रधान आयकर आयुक्त RC मीणा ने बताया कि टैक्सपेयर हब के 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रधान आयकर महानिदेशक CBDT की IRS अर्चना सिंह और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फेम अभिनेता, हास्य कवि, मंच संचालक एवं लेखक शैलेश लोढ़ा विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान IRS राज टंडन भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि टैक्सपेयर हब में करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कियोस्क उपलब्ध होंगे, इनमें से महत्वपूर्ण प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। सबसे पहले उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण कर संबंधित जानकारी और अपडेट प्रसारित करने के लिए सूचनात्मक कियोस्क होगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुँच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। हमने कई कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे कि अगर उनको कोई स्पेसिफिक किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो उस कियोस्क पे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, वरना एक हम जनरल जानकारी विभाग के बारे में, इनकम टैक्स के वर्किंग के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में उनको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम अभी आपने देखा ये पूरा हब चलेगा, बच्चों के लिए चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस स्टाफ और ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिक जानकारी उनको देंगे। हमारा ये इसको मनोरंजक बनाने के लिए हमारा दिन भर, दिन में कई बार हमारा नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो,
ये सब चलता रहेगा, जिससे कि ये पार्टिसिपेटिव हो पाए, लोग एंजॉय भी कर पाए और लोग टैक्स के बारे में समझ भी पाए। पब्लिक को भी डर लगता है, नहीं यही तो मैंने बताया कि डर के पीछे क्या रीज़न है। डर के पीछे रीज़न है कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी लोगों को पहुंचा पाए। इसीलिए हमने ये टैक्स हब का कार्यक्रम किया है कि आपके मन में जो भी चाहिए, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके मन में बहुत तरह की बातें उठती होंगी जिसको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं मालूम है, नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग जानना चाहते हैं, तो आप अपने मन की हर बात यहाँ पूछ सकते हैं। सिंपल एक रिटर्न कैसे फाइल करें, मेरा इतना इनकम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने घर बेचा है, या मेरे को शेयर्स में ये इनकम हुआ है, उस हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी यहाँ मिलेगी। ये तो देखिए, तो पॉलिसी की बात है, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। यही तो ओपनिंग थी, ओपनिंग में कहाँ आपके अलावा नहीं है, यहाँ है राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राज टंडन साहब, यहाँ हैं लोकल प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, बाकी और ऑफिसर्स जयपुर से आए हैं, दिल्ली से हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है नैना सोइन कपिल, वो आई है, मेरी पूरी टीम आई है, तो हम हर जगह जाते हैं अपनी टीम के साथ और इसको करते ठीक है। आपका मैं अर्चना चौधरी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए, जो कर विभाग है, जो CBDT है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो ये जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी प्रसन्नता है। सर, मैं इनकम टैक्स की बात कुछ हटके पूछूंगा, कवि सम्मेलन आप बोलते हैं जी, पेशे से हैं, जो श्रोता और कवि की जो इंटरेक्शन डायरेक्ट होती थी, और जब रचना कवि सुनाता था और शाम में थाका आता था जी, अब वो चीज़ टीवी में और उसमें कन्वर्ट हो गए, वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन, किसने कहा डायरेक्ट इंटरेक्शन बंद हो गया, किसने कहा? अब कवि सम्मेलन जो पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात होते थे वो नहीं, परंपरा का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, पूरी रात, परंपरा का मतलब कविता है, और वो पारंपरिक कवि सम्मेलन आज भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना, बिल्कुल संख्या में कमी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है, आज भी कवि सम्मेलन उतने ही होते हैं, और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। जो बीच मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर में, तो कवि सम्मेलनों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं उनमें, मैं खुद कवि हूँ, मंची कवि हूँ, गीत लिखता हूँ, एक आसान ही बन गया कवि सम्मेलन, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं वाली परंपरा। ये आपका सोचना होगा, अगर तू मुझे बोला मैं मुझे बोला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है, अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बना। अब कभी पर्टिकुलरली पार्टी बेस को कर नहीं, देखिए इंसान है तो वो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही, अब वो किसी से भी हो सकता है, इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रही है किस वजह से? देखिए विधा है, वो भी एक वो भी विधा है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौच का जो प्रयोग है ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है ये स्वीकार नहीं है। इसके जनता को बोलना है, देखिए बोलना किस तरह से, कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं, आप किन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं, कोई तो है ना जो उन गालियों पे ढाके लगा रहा है, कोई तो है जो अशोभनीय भाषा में तालियां बजा रहा है। मैं क्या कहूंगा, देखिए ये निर्णय इस संबंध में नहीं, और ये निर्णय आपका खुद का होता है, आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। यातायात पुलिस द्वारा पावर बाइक और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा 20 बाइक जब्त की गई। यातायात निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज आवाज के कारण आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है, इसी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात पुलिस द्वारा पावर बाइक और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ देर रात कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों द्वारा शहर में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 बाइक जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार कल जो पावर बाइक्स है और जिन बुलेट्स के मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ है उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की है। लगभग 20 पावर बाइक है जी, आगे भी कार्रवाई जारी। बिल्कुल, श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाए कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान का आदेश अनुसार ये कार्रवाई जारी रहेगी लगातार। चालान भी किए गए? हाँ, चालान भी किए गए। चालान भी लगभग 50-60 चालान किए गए जो नो पार्किंग के वहाँ। न्यू चौपाटी और श्री भसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसका समापन रविवार मेले में आए हुए देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के साथ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में व महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। श्री भसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसका समापन रविवार मेले में आए हुए देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के साथ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य व महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि समापन समारोह श्री भसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट और फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस अवसर पर फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन दिल्ली के मुख्य निदेशक विपिन कुंज, निदेशक रोहित प्रजापति व पंकज रस्तोगी, योगाचार्य जसवीर जसवाल व फाउंडेशन के सदस्य अंकित प्रजापति और अंकुर माहेश्वरी के नेतृत्व में रविवार मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं व भैरव भक्त मंडल के सदस्यों ने शरीर मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, सुषमा व्यायाम सहित अन्य प्राणायाम के साथ योग किया। योग शिविर का नेतृत्व कर रहे फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के योगाचार्य विपिन कुंज ने भी उपस्थित श्रद्धालुओं को योग करने के लाभ बताते हुए योगाभ्यास को जीवन की दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। वे जीवन में योग को बढ़ावा देने और प्रतिदिन योग करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सबको करना चाहिए, योग अपने मन को शांति दिलाती है, अपनी शारीरिक बीमारियां खत्म कर देती है। योग हमेशा करना चाहिए, ज्यादा नहीं कम से कम 10-15 मिनट तो रोज अपन निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां इससे दूर हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, नींद नहीं आती, आराम से नींद आती है हमें। तो आप योगा हमेशा करना चाहिए। मेरा तो एक ही सोच है कि योग हमेशा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज भी बड़े धूमधाम से। मैं सोचता हूँ सभी में बड़ा उत्सव है कि आज प्रातःकाल मैं सुनकर हूँ बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से जल्दी से जल्दी हमारे भक्तों का ये सैलाब है, सब में उत्सव रहता है। तो आप भी करें, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों को सबको सिखाएं। श्री चंपालाल जी महाराज और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, माताएं बहने, मैं जब जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि जो हमारी राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, भारत सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको हजारों भक्त और श्रद्धालुगण किस तरह से हमें पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसके ऊपर पूरे देश दुनिया के हर से हर कोने में, और ये आप सबको पता है कि भारत सरकार ने पहल की है इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में। जो भारतीय प्राचीन परंपरा थी योग पुष्कर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी व पालिका उपाध्यक्ष श्री शिव स्वरूप महर्षि के सानिध्य में पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 71वीं पुण्यतिथि जैन मंदिर प्रमुख चौक बड़ी बस्ती पुष्कर पर मनाई गयी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का पुष्पांजलि का कार्यक्रम पुष्कर शहर भाजपा द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक, शिव सरोज जी महर्षि, मंडल अध्यक्ष पुष्कर जी भाटी व सभी पार्षदगण उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर साहब के पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का
प्रण लिया और इसी बीच आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता वेजी पराथन ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर परिचय डाला। सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए इसी प्रकार लगे रहे। इस प्रकार पुष्कर शहर में भारतीय जनता पार्टी का घराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम निश्चित रूप से पार्टी को आगे ले जाकर मजबूत भाजपा का संगठन यहाँ खड़ा करेंगे। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र धूबी घाट रोड पर नाले के ऊपर बने पुल के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय नागरिक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत नाले के ऊपर पुल का निर्माण बहुत ही ऊंचा कर दिया गया, जिसके कारण आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा पुल की ऊंचाई अगर एक साल के भीतर कम नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र धोबीघाट रोड पर नाले के ऊपर बने पुल के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय नागरिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत नाले के ऊपर पुल का निर्माण बहुत ही ऊंचा कर दिया गया है, जिसके कारण आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस पर रैंप भी बनाए जाने को लेकर नापजोक की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पहले इस पुल की ऊंचाई को कम किया जाए, उसके बाद ही रैंप बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दो साल से हम परेशान हो रहे हैं, पुलिया इतनी ऊंची बन गई है 7.5 फुट, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पूरा रास्ता बंद हो गया, पूरा रास्ता बंद हो गया, मेन रोड यही है। आने वाला टाइम है बारिश का, किस तरह पानी में भरेगा आपके घर में? पानी भरेगा रोड का, इधर का ज्यादा आएगा तो भरेगा। वो तो अभी भर गया था। क्या नाम है आपका? राज देवी। धोबीघाट रोड पे इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत ये जो नाले की सफाई के नाम पे यहाँ ओवरब्रिज बनाया है, इस ब्रिज को 2 साल हो गए। 2 साल से क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है कि इस ब्रिज को वापस छोटा करा जाए। आप ब्रिज की हाइट आपने खुद ने देखी है, ब्रिज की हाइट इतनी कर दी है कि यहाँ से चढ़ना उतरना बहुत दिक्कत वाला सीन हो गया है। अब ये लोग अभी बीच में क्षेत्रीय विधायक अनिता जी को बुलाया गया था, उन्होंने स्मार्ट सिटी वालों को ही बुलाया था, अनिता पटेल जी ने उनको निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज को उन्होंने निशान बताया था कि इस निशान जितना इसको छोटा किया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात को अनसुना करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को 6 महीने से ऊपर हो चुका है, उसके बाद साल भर हो गया है इस बात पे। अब वो उन्हें यहाँ पर आकर के रैंप बनाने की कार्रवाई के लिए नापाचौकी कर रहे हैं, जब इस ब्रिज को छोटा कराना है। 2 साल से क्षेत्रवासी सारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे ज्योति नगर, पटेल नगर, अंबावाड़ी, धोबीघाट का रास्ता यही था। आज लोगों को घूम करके कम से कम 1 किलोमीटर का सफर घूम करके तय करना पड़ रहा है, जबकि ये छोटा रास्ता यहाँ से था। इन्होंने इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, ओवरब्रिज बना दिया है, जैसे यहाँ से कोई है ना हाईवे निकालने वाले हों। आज अगर इस ब्रिज पे कोई चढ़ता गाड़ी लेके, संतुलन बिगड़ता है, कोई गिरता है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा? आसपास में सारे क्षेत्रवासी हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं। आज कम से कम ब्रिज नीचे होगा, आराम से लोग निकलेंगे, किसी घर में कोई गाड़ी लग गुर जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसकी भी जिम्मेदारी है। अभी बारिशों का समय है यहाँ पूरे क्षेत्र में, अभी हल्की सी थोड़ी सी प्री मानसून की बारिश हुई थी, उसमें ये पूरे क्षेत्र में पानी भर गया था। क्यों? क्योंकि इस ओवरब्रिज की वजह से यहाँ से पानी निकलने में दिक्कत हुई। पीछे एक गली है, गली के अंदर कम 7 मकान है, उन बेचारों का हाल ये हो गया कि अब उनको कम से कम लंबा चौड़ा घूम के ज्योति नगर, अंबावाड़ी, पटेल नगर होते हुए उनको बाहर निकलना पड़ता और आना पड़ता, जबकि उनके लिए सबसे छोटा रास्ता है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी, भाई हम प्रशासन को 1 साल का समय दे रहे हैं। यदि प्रशासन 1 साल में इस ओवरब्रिज को तोड़ के, जो इसकी प्रॉपर ऊंचाई है वो नहीं करता तोड़ करके, और इसमें अगर जबरदस्ती वो कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, तो फिर इसका उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधीश महोदय की होगी, नगर निगम की होगी और स्मार्ट सिटी वालों की होगी। यदि इसको तोड़ करके 1 साल में वो वापस पुनः इसको तैयार नहीं करते और छोटा ब्रिज नहीं बनाते हैं, फिर उसके बाद जो प्रदर्शन होगा, रोड बंद होगा, इस क्षेत्र के लोग पूरे हड़ताल करके, दुकानें बंद करके जो प्रदर्शन करेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की, फिर उसमें क्षेत्रवासियों को कोई लेना देना नहीं होगा। कौन सी जगह है ये? तोपदड़ा में धोबीघाट रोड है, आप देख सकते हो पीछे ग्राउंड का भी यही रास्ता है, मेन रास्ता है, जहाँ पे ये लोग नगर निगम के द्वारा गरबे कराए जाते थे। अब इन्होंने इस बार गरबों के लिए भी पीछे का रास्ता खोला, ये रास्ता बंद कर दिया। बोले साहब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पता है यहाँ से आएंगे तो। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि ध्येय मानने वाले जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित की गयी।
इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि भंडारी जी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। उन्होंने युवाओं को अपने राष्ट्रवादी विचारों से राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए प्रेरित किया और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि ध्येय मानने वाले जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी को पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि भंडारी जी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। उन्होंने युवाओं को अपने राष्ट्रवादी विचारों से राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए प्रेरित किया और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। भंडारी जी की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी और आपातकाल के विरुद्ध जन चेतना जागृत करने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। सुंदर सिंह भंडारी जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा, कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, उसकी वजह से राजस्थान ही पूरे देश भर में जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक वट वृक्ष के रूप में है, उसमें सुंदर सिंह जी भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके जो व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व, उनको हम आत्मसात करें और इसी से हमारा देश जो इस देश को परम वैभव पहुँचाना है, उसके लिए पूरे सभी कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने आज उनके पुण्यतिथि पर उनको स्मरण किया और उनके आदर्शों को हम हमारे जीवन में उतार कर इस भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाएँ, इसके लिए आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी का बलिदान दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर स्थानीय होटल दाताइन में आयोजित किया गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी विचार पर आधारित एक पार्टी है और लगातार अपने जो महापुरुष हैं इनके बलिदान दिवस और जन्म जयंती के अवसर को कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा मिले और भविष्य में उनको काम करने की एक दिशा प्राप्त हो, इस नाते समय समय पर इस सब तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। आज चूँकि बहुत बड़ा दिन हमारे पास है, सुंदर सिंह जी भंडारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया, पूरा जनसंघ से लेकर के और पार्टी के जो आज विशाल वटवृक्ष बना है, इस विशाल वटवृक्ष बनाने में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया। परिवार के साथ अपना जिस प्रकार का उन्होंने त्याग कर परिवार को त्याग करके पार्टी की सेवा की और विभिन्न दायित्वों पर रह करके पार्टी का नेतृत्व किया, तो निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बड़ा प्रेरणादायी है। इसी उपलक्ष्य में कल 23 जून को हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान दिवस है और पार्टी उसको भी प्रत्येक मंडल स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगी, प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उस बलिदान दिवस से हम एक वृक्षारोपण के अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आगामी 6 जुलाई तक, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती दिवस होगा तब तक ये अभियान चलेगा। इस बीच में हमारे आपातकाल का जो दिवस आ रहा है 25 जून का, उस दिन भी पार्टी कार्यक्रम आयोजित करेगी और उसके बाद 30 जून को मन की बात का, यानी कार्यक्रमों की श्रृंखला, उन्हें इन चुनावों के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं के निरंतर उनके गढ़। सकते हैं।